न्यूज 100 का रुख करेंगे। तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं न्यूज 100 का। पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम बनने के बाद योगी का आरएसएस के मुखपत्र 5 जने को इंटरव्यू उन्होंने दिया है। कहा राम मंदिर पर दोनों पक्ष बातचीत से रास्ता निकाले। राम मंदिर पर योगी आदित्यनाथ बोले, मैंने दोनों पक्षों से कहा कि संवाद बनाइए, समाधान का रास्ता निकलेगा। सीएम योगी ने कहा, जातिवाद और तुष्टिकरण के लिए कोई जगह नहीं, जातिवाद और तुष्टिकरण के नाम पर कुछ लोगों ने धोखा दिया। सीएम योगी ने कहा, अवैध बूचड़खानों पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा, जिस बूचड़खाने के पास लाइसेंस होगा उसे कोई नहीं छेड़ेगा, अवैध बूचड़खानों को छेड़ने वालों पर कार्रवाई। सीएम योगी ने कहा, जनता की सेहत से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं है, शाकाहार से स्वस्थ होने की सलाह दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगले 2 महीने में यूपी के बदलाव का वायदा किया। कहा 2019 तक यूपी में 24 घंटे बिजली मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के हर गांव को 18 घंटे बिजली देने का वायदा किया। तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे बिजली देने की बात कही। योगी ने कहा, ग्रुप 3 और 4 की नौकरियों से इंटरव्यू खत्म होंगे। सीएम योगी ने पिछली सरकार की गड़बड़ियों की जांच की बात कही। बोले, सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती नहीं, हम पद प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में नहीं आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर चुनाव के दौरान भी भर्तियों के आरोप लगाए। 90% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही। सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात दोहराई। कहा, अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को तलब। भर्तियों में धांधली और पक्षपात के आरोपों पर कर सकते हैं सवाल जवाब। सीएम योगी आज लगाएंगे अफसरों की क्लास। आज से शुरू होगा अफसरों का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले शिक्षा विभाग के अफसरों की बारी। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ने पाकिस्तान के कई शहरों में लगाई आतंकी साइबर क्लास। कश्मीरी और भारत में हमला करने के सिखाए तरीके। आईएसआई की मदद से खोले 17,000 साइबर अकाउंट। श्रीनगर के सीमापुरा में आतंकी हमला। पंता चौक में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, 6 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमापार से फिर हुआ सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय जवानों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। श्रीनगर में पुलिस के शहीद जवान शमसुद्दीन अहमद को दी गई श्रद्धांजलि। कल नौहट्टा में आतंकी हमले में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जेल में मिले 14 मोबाइल फोन। अलगाववादी नेता मसर्रत आलम के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त। व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में थे कैदी। कई अलगाववादियों से बातचीत का भी खुलासा। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। आईबी रॉ चीफ और गृह सचिव बैठक में मौजूद। कश्मीर में पत्थरबाजों को शह देती नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीडीपी नेता नजीर अहमद का दावा, एफआईआर में शामिल सभी आरोपी एनसी के कार्यकर्ता। कश्मीर में पत्थरबाजी करने वालों पर सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, हमें अपने बच्चों पर फोकस करना होगा क्योंकि वो तकलीफ में है। श्रीनगर के सिविल एयरपोर्ट से आर्मी का एक जवान गिरफ्तार। 2 जिंदा ग्रेनेड मिले। दार्जिलिंग के रहने वाले भूपाल मुखिया से पूछताछ चल रही है। आय से अधिक संपत्ति केस में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने दिल्ली का फार्म हाउस सील किया। वीरभद्र सिंह के बेटे की कंपनी के नाम खरीदा गया था फार्म हाउस, 6 करोड़ रुपए कीमत। फार्म हाउस खरीदने में काले धन का इस्तेमाल का आरोप। दस्तावेजों में फार्म हाउस की कीमत सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह का बयान, में डरने और झुकने वाला नहीं। राजस्थान एम्बुलेंस घोटाले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने जब्त की चिकित्सा हेल्थ केयर की 11 करोड़ 57 लाख की प्रॉपर्टी। 2009 में अशोक गहलोत सरकार के वक्त हुआ था एम्बुलेंस घोटाला। सीबीआई ने सचिन पायलट कार्ति चिदंबरम पर भी दर्ज किया था केस। एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 मई तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। एयरसेल मैक्सिस डील में चिदंबरम की कथित भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे से कांग्रेस में कल है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एके वालिया ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद एके वालिया का बयान, उम्मीदवार तय करने के लिए हर बार बना दी जाती कमेटी, बच्चों की तरह लिया जाता है हमारा इंटरव्यू। एके वालिया ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता चला रहे हैं मनमानी, पार्टी में नहीं रह गया लोकतंत्र।
कांग्रेस नेता अमरीश गौतम बीजेपी में शामिल, एमसीडी चुनाव में अनदेखी का आरोप। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन, 272 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने वाले प्रशांत भूषण के खिलाफ प्रदर्शन, नाराज लोगों के घर के बाहर नेम प्लेट पर गालिक पोती। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, अरुणाचल के तवांग तक जाएगी ट्रेन, सर्वे का काम शुरू। भारत से बांग्लादेश में पशुओं की अवैध तस्करी का मामला, पॉलिसी बनाने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते का वक्त मांगा। अजमेर ब्लास्ट केस में एनआईए ने दाखिल की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, इंद्रेश कुमार और साथी प्रज्ञा के खिलाफ नहीं मिले सबूत। जयपुर की एनआईए अदालत ने पूछा, 4 भगोड़े आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया, 17 अप्रैल को अगली सुनवाई। बीजेपी नेता साध्वी प्राची का विवादित बयान, कहा योगी सरकार बनने से पाकिस्तान बनने से बच गया यूपी। साध्वी प्राची के बयान पर लालू यादव का हमला, कहा एक पाकिस्तान संभलता नहीं है, दूसरे की बात करते हैं। लालू यादव ने कहा 2019 से पहले ही हो सकता है लोकसभा चुनाव, सेकुलर एकजुटता के लिए मैंने शुरू कर दी बातचीत। यूपी चुनाव नतीजों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष अगर एकजुट हो तो नतीजे अलग होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर यूपीएसएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, भर्तियों पर लगी रोक का विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले योगी। एचआरडी की इंडिया रैंकिंग 2017 जारी, टॉप पर रहा बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। 2017 में बाकी 4 स्थानों पर आईटी ने मारी बाजी, 6ठे स्थान पर रहा दिल्ली का जेएनयू। सोमालिया तट से लुटेरों ने भारत के कमर्शियल जहाज को हाईजैक किया, जहाज पर मौजूद 11 क्रू मेंबर्स को भी अगवा किया। कर्नाटक के ओडीपी में 2 महिला अफसरों पर रेत माफिया ने हमला किया, डिप्टी कमिश्नर प्रियंका फ्रांसिस और असिस्टेंट कमिश्नर शिल्पा नाग अवैध खनन की शिकायत पर छापेमारी करने गई थी। ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे अफ्रीकी मूल के छात्रों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे, कई छात्रों ने सिर्फ एडमिशन लिया है, आज तक कॉलेज नहीं आए। शारदा यूनिवर्सिटी के 112 अफ्रीकी मूल के छात्रों का एडमिशन के बाद से अब तक पता नहीं, पुलिस ने शुरू की खोजबीन। कोलकाता की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का एक वीडियो सामने आया, छात्र लगा रहे हैं कश्मीर मणिपुर नागालैंड की आजादी के नारे। आजादी के नारों पर बीजेपी नेता रूपा गांगुली का बयान, कहा पढ़ाई के सिवा सब कुछ होता है। कोलकाता में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सड़क हादसा, गाड़ी पलटने से मनावर के नगर पालिका अध्यक्ष की मौत। चंडीगढ़ में होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों का प्रदर्शन, हाईवे के किनारे शराब की दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट के बैन का विरोध। भोपाल के निषादपुरा में रेल कोच फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझा दी। झारखंड में दुमका लिट्टी पाड़ा उपचुनाव के लिए सीएम रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। सासाराम गोलीबारी मामले में जेडीयू के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह बर्खास्त, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कार्रवाई की। सासाराम फायरिंग मामले में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार, एक बच्ची की हुई थी मौत। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक जर्मन महिला से गैंगरेप, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, कई लोगों से पूछताछ। मुंबई की 1,70,00,000 की पुरानी करेंसी जब्त, एक कंपनी के दफ्तर में बरामद हुए नोट। एमपी के ढिंडोरी में महिला का मुंडन कराए जाने के मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज, जी मीडिया की खबर का असर। बिहार के बेतिया में महिला के तेजाब डालकर हत्या, आरोपी की शिनाख्त नहीं, पुलिस की जांच जारी। अलवर के भिवारी में पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, जोहड़ इलाके में नहाने के दौरान हादसा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार, मध्य प्रदेश बिहार यूपी दिल्ली में करता था तस्करी। एमपी के चंदेरी मेले में अश्लील डांस, धार्मिक मंच पर फिल्मी गानों पर लगे ठुमके। सिंगापुर ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा पर रोक लगाई, सिंगापुर सरकार भारतीय कंपनियों को भी स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखने का दबाव बना रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सुस्त रिस्पांस वाले धन कुबेरों ने जमा कराए सिर्फ 14,000 करोड़, सूत्रों के हवाले में खबर, स्कीम 31 मार्च को खत्म। 5 सहयोगी बैंकों और महिला बैंक का एसबीआई में मर्जर हुआ, मर्जर के बाद बेस रेट में की गई 15 बेसिस पॉइंट की कटौती। इस
एसबीआई के चेयरमैन अरुणोदिति भट्टाचार्य ने कहा, सहयोगी बैंकों के मर्जर के बाद एसबीआई के ग्राहकों के बराबर ही सस्ते लोन का फायदा सहयोगी बैंकों के ग्राहकों को भी मिलेगा। इंफोसिस के सीओओ प्रवीण राव की सैलरी बढ़ने से एक नाराज हुए नारायण मूर्ति, कहा टॉप लेवल पर इतनी ज्यादा सैलरी बढ़ाना ठीक नहीं, छोटे कर्मचारियों में गलत संदेश। चोट से उबरकर आईपीएल के मैदान में वापसी करेंगे बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा, चोट लगने के बाद डर गया था। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख, कहा अगर चीन नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई सख्त कदम नहीं उठाता तो अकेले ही एक्शन लेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता एडम शिफ ने ट्रंप प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की रूस की कोशिशों से जुड़ी जांच पर असर डालने की कोशिश की जा रही है। भूस्खलन और मिट्टी धंसने से हुई भीषण तबाही से उबरने से कोलंबिया को इक्वाडोर की मदद, अब तक 250 से ज्यादा की मौत। सर्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी की शानदार जीत, अलेक्जेंडर वोसिच बने राष्ट्रपति। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों की तादाद में सड़कों पर स्टूडेंट उतरे, प्रोफेसर और नागरिक जॉर्ज सोरोस की बनाई यूनिवर्सिटी को देश से बाहर करने के सरकार के फैसले का विरोध। कोलंबियन पुलिस ने चेटन कोकीन बरामद की, समुद्री रास्ते से स्पेन भेजी जा रही थी। शिकागो यौन उत्पीड़न केस में एक युवक गिरफ्तार, घटना को फेसबुक पर लाइव भी किया गया। बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में हजारों लोगों ने निकाला मार्च, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने का विरोध। नीली रोशनी में नहाया व्हाइट हाउस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के मौके पर बदला अंदाज। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक आर्ट गैलरी में चोरी हुई 19वीं सदी की दो दुर्लभ पेंटिंग्स, करीब $1 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर कीमत है। मालदीव से फैमिली के साथ छुट्टियां मनाकर वापस लौटे सलमान खान, समंदर किनारे यूरी एवेंटूर के साथ कई मोमेंट सामने आए। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की रिलीज डेट फाइनल हुई, ईद के मौके पर 23 जून को रिलीज होगी फिल्म। सोनाक्षी सिन्हा ने जल्द शादी की खबरों को खारिज किया, बोली कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। अक्षय कुमार ने भगवान शिव को साक्षी मानकर एक मंदिर में साइन की, फिल्म मोगुल गुलशन कुमार की जिंदगी पर बन रही है। फिल्म पद्मावती के अपने रोल को लेकर काफी गंभीर हैं दीपिका पादुकोण, रोल की वजह से फिल्म पूरी नहीं होने तक बाल नहीं कटवाएंगी। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने भी मानी डिप्रेशन की बात, कहा फिल्म फ्लाइंग जेट के फ्लॉप होने के बाद बेहद तनाव में था। वरुण धवन को अपनी आने वाली फिल्म जुड़वा 2 की कामयाबी का यकीन है, सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म का पोस्टर, 29 सितंबर को रिलीज होगी।